गोटा पत्ती इस समय काफी ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन जब तक गोटा पत्ती का जाल ना बनाया जाए उसकी रंगत अधूरी सी रहती है। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं गोपाल भाई रानोली आज आपको एक ऐसा ओढ़ना दिखाने जा रहा हूँ जिसमें आप देख रहे हैं कि मशीन का वर्क होते हुए हमने एक हैंडवर्क का सा सुंदर सा जाल बनाया है। आप भी अगर इसे बनवाना चाहें तो आपकी अपनी शॉप यानी कि सुमन फैंसी एंड गोटा स्टोर, कृष्णा प्लाजा, शिव मार्केट, बस स्टैंड रानोली से आकर के इसे बनवा सकते हैं। बीच की जो बूटी देखें वो भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से हमने बनवा करके इसे अच्छा सा लुक देने की कोशिश करी है। अब इसके नज़दीक वाली बूटी को अगर देखें तो उसे भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। बीच पर जो छोटी वाली सितारी वाली बूटी है वो लगा करके काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। चौकड़ी की देखें साइजें तो सारी साइजें बराबर, एक अच्छा सा डिज़ाइन हमने तैयार करने की कोशिश करी है। आप भी अगर ऐसा ओढ़ना बनवाना चाहें तो आपकी अपनी शॉप सुमन फैंसी एंड गोटा स्टोर, कृष्णा प्लाजा, शिव मार्केट, बस स्टैंड रानोली से आकर के बनवा सकते हैं। अब इसकी शेप देखो आप, ऊपर से लेकर के पूरा एकदम लाइनिंग में, इधर से भी पूरा लाइनिंग में, और उसके अलावा भी अगर देखें तो पूरा का पूरा ओढ़ना एकदम शेप में बना हुआ है ही। कारीगर की यही पहचान होती है कि वो अपने काम में कितनी सफाई दिखाता है, कितनी बारीकी से वो काम करता है। और आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है कि बड़ी शिद्दत से इस ओढ़ने को तैयार करा गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, जैसे ही आप लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रा भी ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे अच्छे वीडियो आपको किसी दूसरे चैनल पर नहीं मिलेंगे। आपके अपने जो चैनल है गोपाल भाई रानोली, वहीं पर ऐसे प्रोडक्ट आपको देखने को अक्सर मिलते रहते हैं, नई चीज़ें आपको देखने को हमेशा से मिलती रहती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।